हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं आईटी मेन्स थीसिस के सारे क्वेश्चन जो कि यूपीएससी सीडीएस 2020 में आए हुए हैं। मैं हर क्वेश्चन को आपको एक स्पेसिफिक तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता देना चाहता हूं, मैं हूं तुषार गर्ग एंड आप देख रहे हैं अपना चैनल बीआर रॉक। क्वेश्चन नंबर वन इज ए पेपर टाइगर। ऑप्शन नंबर इज पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन दैट अपीयर्स पावरफुल बट एक्चुअली इज नॉट। ऑप्शन नंबर बी इज ए पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन दैट एक्ट्स लाइक ए टाइगर। ऑप्शन नंबर सी इज पर्सन हु कंपेयर फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ टाइगर। ऑप्शन नंबर डी इज ए डेयर डेविल। अब हमें देखते हैं कि ए पेपर टाइगर का मतलब क्या है। देखिए, जो टाइगर है वो यहाँ पर पेपर से बना हुआ है, मतलब कि जो टाइगर है रियल में तो टाइगर नहीं है, लेकिन केवल दिखता ही टाइगर जैसा है, उसके अंदर कोई भी पावर टाइगर जैसी नहीं है। तो इसका आंसर अपना हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि जो पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन है वो दिखने में ही केवल पावरफुल है लेकिन रियल में वो पावरफुल नहीं है, इसलिए अपना आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिली लेवर्ड। ऑप्शन नंबर ए इज ब्रेव एंड करेजियस। ऑप्शन नंबर बी इज नॉट ब्रेव। ऑप्शन नंबर सी इज कॉमिकल एंड ऑप्शन नंबर डी इज आउटराइटर्स। अब इसमें हम देखते हैं इसका मतलब क्या है। देखिए, लिली लेवर्ड, जो लिली है एक फूल होता है और लेवर्ड का मतलब क्या होता है कि रहना। अगर कोई फूल की तरह रहता है मतलब कि नाजुक, फूल कैसा होता है नाजुक, अगर हम नाजुक रहेंगे डरे हुए रहना होता है उसका मतलब। अगर डरना मतलब कि कोई भी चीज में नए कोई डरा दे तो हम तुरंत डर जाते हैं, वो ही होता है नाजुक होना। तो इसलिए अपना आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होगा, जिसका मतलब है नॉट ब्रेव, मतलब साहसी नहीं होना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ईट लाइक ए वर्ड। ऑप्शन नंबर ए इज ईट फास्ट। ऑप्शन नंबर बी इज ईट वेरी लिटिल। ऑप्शन नंबर सी इज ईट ए लॉट। ऑप्शन नंबर सी इज प्रिटेंडिंग टू बी ईटिंग। अब इसमें देखते हैं ईट लाइक ए वर्ड, मतलब कि बर्ड की तरह खाना। जो बर्ड होता है वो धीरे धीरे खाता है क्योंकि उसकी जो चोंच होती है वो बहुत छोटी होती है, इसलिए वो धीरे धीरे खाता है, इसलिए अपना आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, इसका मतलब है ईट वेरी लिटिल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डी डॉग डेज। ऑप्शन नंबर ए इज डेज सेलिब्रेटिंग डॉग्स। ऑप्शन नंबर बी इज डी विंटर डेज। ऑप्शन नंबर सी इज डी हॉटेस्ट डेज। ऑप्शन नंबर डी इज डी कोल्डेस्ट डेज। अब देखते हैं कि डी डॉग डेज का मतलब क्या है। जो डॉग होते हैं वो कैसे होते हैं कि किसी को देखकर तुरंत भौंकने लगते हैं, मतलब कि वो गुस्सा दिखाते हैं अपना कि यहाँ पर कैसे आ गया, तो मतलब कि गुस्सा दिखाना मतलब गर्म हो जाना। तो इसलिए अपना आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होगा, इस तरीके से हम इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए बनाना रिपब्लिक। ऑप्शन नंबर ए ए स्मार्ट और पुअर कंट्री विद ए वीक गवर्नमेंट। ऑप्शन नंबर बी इज ए स्मार्ट और पुअर कंट्री विच प्रोड्यूस बनाना। ऑप्शन नंबर सी इज विच हैज बीन क्रिएटेड बाय ए बिग कंट्री। ऑप्शन नंबर डी इज ए कंट्री विदाउट एनी गवर्नमेंट। इसमें आप देखेंगे कि ए बनाना रिपब्लिक, रिपब्लिक कब बनता है जब वहां कोई कंट्री में कोई गवर्नमेंट हो, और बनाना कैसा होता है ना जो जो कि तुरंत टूट जाता है नेक्स्ट एक्सरसाइज फोर्स लगाने पर, मतलब कि ऐसी कोई गवर्नमेंट जो बहुत ही वीक हो वो इसका मतलब है। तो इसका अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि ऐसी कोई छोटी या पुअर कंट्री जिसमें गवर्नमेंट बहुत वीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डी प्रोस एंड कॉन्स। ऑप्शन नंबर ए इज दी गुड एंड बैड पार्ट ऑफ सिचुएशन। ऑप्शन नंबर बी इज लाइक एंड डिसलाइक ऑफ सिचुएशन। ऑप्शन नंबर सी इज ए बैड एक्सपीरियंस इन एन इवेंट। ऑप्शन नंबर डी इज ए गुड मोमेंट ऑफ एन इवेंट। इसका आंसर होगा अपना ऑप्शन नंबर ए, क्यों, क्योंकि प्रोस का मतलब होता है गुड एंड कॉन्स का मतलब होता है बैड, किसी चीज की बुरी और अच्छी चीज के बारे में बताना, मतलब कि प्रोस का मतलब गुड बताना और बैड कॉन्स का मतलब बुरा बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रैंक द पंप। ऑप्शन नंबर ए इज टू डू समथिंग इन ऑर्डर टू मेक समथिंग सक्सीड। ऑप्शन नंबर बी इज टू डू गुड थिंग्स टू सक्सीड इन लाइफ। ऑप्शन नंबर सी इज टू डू समथिंग इन ऑर्डर टू गेट बैड थिंग्स डन। ऑप्शन नंबर डी इज आस्किंग पीपल टू डू थिंग्स टू मेक समथिंग सक्सीड। इसमें अपना आंसर क्या होगा, इसमें अपना आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्यों, क्योंकि देखिए प्रैंक द पंप, जो पंप क्या कार्य करता है, पंप वाटर को नीचे से ऊपर ले जाता है, मतलब किसी चीज को उसको काम करने में कंप्लीट करता है, सक्सेस बनाता है। टू डू समथिंग
ऑर्डर टू मेक समथिंग सक्सेसफुल, मतलब कि कुछ ऐसा करना जिससे कुछ जो है सक्सेस प्राप्त कर सके। इसलिए अपना आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए था। नेक्स्ट इज डी ग्रीन आई मॉन्स्टर। ऑप्शन नंबर ए इज फीलिंग ऑफ बीइंग जॉयस। ऑप्शन नंबर बी इज फीलिंग ऑफ बीइंग जेलस। ऑप्शन नंबर सी इज फीलिंग बैड अबाउट हैपनिंग। ऑप्शन नंबर डी इज फीलिंग लकी अबाउट समथिंग। इसमें आप देखेंगे कि ग्रीन आई मॉन्स्टर का मतलब होता है कि जलसी फील करना, मतलब किसी जने को देखकर हम जेलस फील करते हैं, उसी को हम ग्रीन आई मॉन्स्टर बोलते हैं। इसलिए अपना आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया था। नेक्स्ट इज राइज टू द ऑकेजन। ऑप्शन नंबर ए इज टू सेलिब्रेट ए सक्सेस इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन। ऑप्शन नंबर बी इज टू रिग्रेट ए सिचुएशन व्हिच एंडेड इन फेलियर। ऑप्शन नंबर सी इज टू सक्सेस इन डीलिंग विद ए डिफिकल्ट सिचुएशन। ऑप्शन नंबर डी इज टू मोटिवेट पीपल टू सक्सेस इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन। इसमें आप देखते हैं कि राइज टू द ऑकेजन, हम कब ओकेजन मनाते हैं, जब हम किसी भी डिफिकल्ट चीज को पार कर लेते हैं, उसमें सक्सेस हो जाते हैं, उसी के बाद हम ओकेजन मनाते हैं। तो इसका आंसर अपना होगा ऑप्शन नंबर सी, टू सक्सेस इन डीलिंग विद डिफिकल्ट सिचुएशन, मतलब कि किसी चीज डिफिकल्ट सिचुएशन को डील करने के बाद उसमें जो सक्सेस प्राप्त होती है, उसी की बात यहाँ पर की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉल इट ए डे। ऑप्शन नंबर ए इज एंड ऑफ द डे। ऑप्शन नंबर बी इज कंप्लीटेशन ऑफ वर्क। ऑप्शन नंबर सी इज स्टॉप डूइंग समथिंग। ऑप्शन नंबर डी इज ए ब्यूटीफुल डे। इसका मतलब है कॉल इट ए डे, मतलब कि जब हम कोई कार्य कर रहे होते हैं तो हम बोलते हैं ना कि आज के दिन बस इतना ही काफी है, बाकी का काम हम कल करेंगे। तो इसका मतलब क्या है, जितना भी कार्य हमने कर लिया है बस हम उतना ही करेंगे अभी, बाकी का कल। तो मतलब है स्टॉप डूइंग समथिंग, ये अपना आंसर हो जाएगा। इसी के साथ ही इस वीडियो में अपनी जो 10 आइटम्स एंड फ्रेजेस थी वो ही इसमें आई थी, जो मैंने आपको सारी कवर कर ली है। आई होप आप अच्छे से इसको समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।